केंद्र शासनाच्या एक भारत श्रेष्ठ भारत उपक्रमांतर्गत 21 जानेवारी 2024 रोजी राजभवन इथे त्रिपुरा, मणिपूर आणि मेघालय या राज्यांचा स्थापना दिवस समारंभपूर्वक साजरा करण्यात आला. महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस आणि इतर मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन झाल्यावर राष्ट्रगीत आणि राज्यगीत संपन्न झालं. कार्यक्रमाची प्रस्तावना झाल्यावर त्रिपुरा येथील आदिवासी लोकसंगीत कोलाजतर्फे त्रिपुरा सांस्कृतिक ममिताचं सादरीकरण करण्यात आलं. ऑडिओ व्हिज्युअल्सच्या माध्यमातून त्रिपुरा राज्याची सांस्कृतिक, भौगोलिक आणि सामाजिक माहिती देण्यात आली. नेस्टेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, द पिक्चरस स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ नॅचरल ब्युटी, रिच हिस्ट्री अँड व्हायब्रंट कल्चर. लेट्स एम्बार्क ऑन अ जर्नी टू एक्सप्लोर द एसेन्स ऑफ दिस एनचँटिंग लँड. जिओग्राफिकली त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांगलादेश ऑन 3 sides, making it a unique gateway to the northeastern states. With rolling hills, dense forests, and meandering rivers, the state boasts a diverse landscape that captivates the hearts of all who visit. Journeying back in time, Tripura's history unfolds like a tapestry of ancient kingdoms and cultural exchange. Ruled by various dynasties, including the Manikya kings, Tripura has witnessed the rise and fall of civilization.
leaving behind a legacy that is etched in its monuments and temples. The culture of Tripura is a vibrant mosaic, reflecting the amalgamation of indigenous traditions and influences from neighboring regions. From colorful festivals to traditional dance forms, the people of Tripura celebrate their cultural heritage with fervor and pride. Moving forward, Tripura has emerged as a significant contributor. त्रिपुरा आदिवासी लोकसंगीत कोलाशतर्फे त्रिपुरा होजागिरी या सुरेख नृत्यातून तिथल्या संस्कृतीचं दर्शन घडवण्यात आलं. त्रिपुराच्या आदिवासी लोकसंगीत कोलाशच्या विद्यार्थ्यांनी त्रिपुराच्या लेबांग, बोमानी आणि तंगबीती नृत्य संगीताने उपस्थितांचं मन मोहून टाकलं. Yeah, man.
HSNC विद्यार्थ्यांनी मणिपुरी नृत्याचं आणि गीताचं सादरीकरण केलं. त्यानंतर मणिपूरची समग्र माहिती ऑडिओ व्हिज्युअल्सच्या माध्यमातून सादर केली गेली. इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॅनव्हास ऑफ इंडिया, मणिपूर इमर्जेस एज अ ज्यूल, नॉट जस्ट इन नेम बट इन एसेन्स. मणिपूर रूटेड इन संस्कृत वेअर मनी मीन्स ज्यूल अँड पूर मीन्स सिटी पेंट्स अ पोएटिक इमेजरी द लँड ऑफ ज्यूल्स. This title, a little reflection of its rich cultural heritage, natural allure, and prosperity, sets the stage for our exploration. Amidst this cultural richness, Manipur boasts attraction that beckon explorers. लाए जनुंगी मनी नारंगी लैरां पितक ना मंगल चौबीनी Yeah.
ऑडिओ व्हिज्युअल्सच्या माध्यमातून मेघालयची सर्वांगीण माहिती सादर करण्यात आली. ये हसी वादियों की खुशी और भारत का अभिमान मेघालय नेस्टेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मेघालय स्टैंड्स एज अ मेसमराइजिंग जूल इन द कंट्रीज लैंडस्केप रिनोन फॉर इट्स लश ग्रीनरी कास्केडिंग वाटरफॉल्स एंड वाइब्रेंट इंडिजिनियस कल्चर्स द नेम मेघालय ट्रांसलेट्स टू a dome of clouds, a fitting designation for a state blessed with picturesque landscapes and a climate that seems to invite the misty embrace of clouds. Meghalaya is a land of diverse tribes, primarily the Khasi, Garo and Jaintia, each contributing its unique cultural tapestry to the rich heritage of the region. The traditional attire of Meghalaya adds to the cultural diversity of the state. The Khasi and Jaintia women often wear the Jainsam, a graceful and intricately woven dress, while the Garo women adorn themselves with the colorful fabrics, beads and ornaments. त्यानंतर HSNC विद्यार्थ्यांनी नृत्य आणि गायनाच्या माध्यमातून मेघालयच्या संस्कृतीचं सादरीकरण केलं. त्रिपुरा राज्याच्या कलाकारांतर्फे शाल आणि भेटवस्तू देऊन राज्यपालांचा सत्कार करण्यात आला. राज्यपालांनी उपस्थितांसमोर ईशान्य भारताच्या संगीत कला यांचा आढावा घेतला. महाराष्ट्र आने के पहले लगभग 2 वर्ष में त्रिपुरा का राज्यपाल रहा हूं, इसलिए त्रिपुरा राज्य से तथा उनके लोगों से मुझे विशेष लगाव है. भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आज हम पहली बार महाराष्ट्र राजभवन में मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं. गेल्या 52 वर्षात या तिन्ही राज्यांमध्ये झालेल्या प्रगतीचाही त्यांनी उल्लेख केला. पिछले कुछ वर्षों में त्रिपुरा ने प्रभावशाली प्रगति की है. त्रिपुरा नाम मुझे पिछली सदी के महान संगीतकार सचिन देव बर्मन की याद दिलाता है. सचिन दा
संगीतकार सचिन देव बर्मन आणि आर डी बर्मन ही त्रिपुराने भारताला दिलेली सर्वोत्तम भेट असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. एस डी बर्मन और आर डी बर्मन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी संगीत की अतुलनीय विरासत हमें कई वर्षों तक याद रहेगी. मोरे शहर के माध्यम से मणिपुर भारत का पूर्व का प्रवेश द्वार है, जो भारत और म्यांमार तथा अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापार के लिए भूमि मार्ग है. मणिपुर में हाथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादन आधारित उद्योग सबसे विकसित उद्योग है. मेघालय को बादलों का निवास, जबकि प्रदेश का नाम यह है. अगर हम मेघालय का समृद्ध क्षेत्र करें, मेघधन आ रहा है जो हमेशा बादलों के बीच में रहता है. कितना मनोरम दृश्य. परदेशी न जाता भारताला भेट द्यावी असं राज्यपालांनी आवाहन केलं. अपने देश को नहीं जाने हैं, अपने देश को नहीं घूमे हैं, लेकिन हमारे देश के लोग विदेश जाने के लिए तैयार रहते हैं. हमें अपने देश की, हर प्रदेश की संस्कृति, भाषा, तीज त्योहार ये जानना चाहिए हमको. आदि गुरु शंकराचार्य ने देश को एक करने के लिए हमारे देश के चारों कोने में चार मठ की स्थापना की. अगर आदि गुरु शंकराचार्य अगर चार मठ की स्थापना नहीं करते तो नॉर्थ के लोग साउथ की हो जाते, ईस्ट के लोग वेस्ट की हो जाते. आज स्थिति यह है कि हम अपने रिश्तेदारों के यहां नहीं जा पाते तो हम इतने लंबे प्रदेशों में कहां जाते. लेकिन एक धार्मिक भावना जुड़ने के कारण आज हर राज्य के लोग हर राज्य में कोई न कोई दर्शन करने के लिए जाते हैं, जिससे हमारा भारत एक भारत है. आज वही मोदी जी ने देश के जोड़ने के लिए, आज गुरु शंकराचार्य ने धार्मिक भावना से जोड़ा, मोदी जी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को एक कर रहे हैं. आज जो कलाकार इस कार्यक्रम में अपना प्रदर्शन किए हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. राजभवन में उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ. आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे निमंत्रण पर आप लोग यहाँ पर राजभवन में आए. इसलिए मैं आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ.